स्वागत है आपका पेजा गांव में। आइए चलते हैं पेजा गांव, जो कि खस्तार पंचायत में स्थित है, रोहडू तहसील में और हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में। कितना सुंदर, कितना मनमोहक पेजा गांव। जहाँ भी देखिए दूर दूर तक लाल चावल लाल चावल, साथ ही खड बह रही है जो कि चासल ग्लेशियर से पानी लाती हुई, सभी जड़ी बूटियों के रिसाव से पानी पेजा गांव पहुँचता हुआ, सिंचाई के लिए बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही विशेष, सभी गुणों को इस चावल में समावेश करती हुई यह पानी चासल ग्लेशियर से। सुंदर पेजा गांव, बहुत ही सुंदर पेजा गांव, ऐसा लगता है जैसे जन्नत उतर आई है। चारों तरफ लाल धान लाल धान, मनमोहक लाल धान, मनोहर लाल धान। अगर हम पेजा गांव में घूमकर देखें तो आपको सीज़न में, खरीफ सीज़न में धान के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। चारों तरफ दूर दूर तक धान ही धान, लाल धान। सारा दृश्य दिखा दिया, घूमकर चारों तरफ दिखा दिया, जिधर भी देखते हैं उधर उधर से ही आपको लाल धान दिखता है, बहुत ही मनमोहक। अब प्रश्न उठता है, इस लाल धान को हम स्टोर कैसे करें? स्टोर करने का, भंडारण करने का तरीका भी यहाँ बड़ा ही अलग है, बहुत ही ट्रेडिशनल है, और उसी को इस वीडियो में हम देखेंगे। अभी आनंद लें लाल धान का, चारों तरफ देखें लाल धान और भंडारण की बात करते हैं। ये देखिए सीजन में बहुत ही हैवी स्नोफॉल हुआ है, चारों तरफ सफ़ेद चादर फैली हुई है, पेजा गांव को ढक कर रखा हुआ है, लगता है जैसे कोई जन्नत, चारों तरफ जन्नत का नज़ारा पेजा गांव में। देखिए खूबसूरत रुई के फोम की तरह आसमान से है सफ़ेद चांदी गिरती हुई पेजा की तरफ और पेजा को ढके हुए, बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य। अब चलते हैं भंडारण की ओर। जैसे अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये हमारे रेड राइस जो फार्मर है रोहडू हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पेजा गांव, तो ये जो खेत है इसमें ही हमारे धान की जो लाल चावल है उसकी खेती की जाती है। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका जो भंडारण होता है इसको कहाँ रखा जाता है और कितने समय में ये चावल ख़राब नहीं होता है, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। थैंक यू। दोस्तों तो आपको बताएं, जो हमारा लाल चावल के भंडारण के लिए जो बनाया जाता है इसको हम अपनी भाषा में कोठार कहते हैं। इसमें हम जो भी हमारे पास अतिरिक्त चीज़ें होती हैं भंडारण के लिए हम इसमें रखते हैं। ये इसकी चाबी रहती है,
तो इसको खोला जाता है। ताकि कोई भी चोरी का खतरा ना रहे। तो ये हमारा कुठार पहले मैं आप लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं पवन थोमटा, जो रेड राइस फार्मर्स रोहड़ू हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले पेजा गांव से हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देता हूँ। तो ये कोठास जो अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है, तो इसमें जो भी खाद्य वस्तु होती है वो रखी जाती है। तो ये जो ऊपर को इसका चैम्बर बनाया जाता है, इनको लोकल भाषा में खंदियाली कहा जाता है, और ये जो नीचे बड़े रहते हैं इनको खंदे बोला जाता है, लोकल जो हमारी लैंग्वेज रहती है इस कोठार के अंदर। तो अब आपको मैं थोड़ा सा व्यू बताऊंगा। इसमें जो इस प्रकार की ये खंदियाली होती है, जो देखा कि पेजा गांव में जो धान लाल चावल जो है उसके भंडारण कैसे करते हैं, बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड से इसको स्टोर किया जाता है, इसका भंडारण किया जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा के पूरा लकड़ी से बना होता है, देवदार की लकड़ी से बना होता है। देवदार वहाँ पर्याप्त रूप में, बहुत रूप में पाया जाता है, और इस लकड़ी से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और जो ऊपर की छत है उसको स्लेट से बनाते हैं। तो जो कोठार है ये जो इसमें क्या है कि इसमें जो जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहता है, और मॉइस्चर भी इसमें कंट्रोल रहता है, बाहर से मॉइस्चर इसमें अंदर नहीं आता। कहने का मतलब है जो भी इसमें हम प्रोड्यूस रखते हैं, लाल चावल का धान जो रखते हैं, वो वर्षों तक सुरक्षित रहता है। लोकल्स कहते हैं कि कम से कम वो 7-8 साल तक इसमें धान जो है उनका खराब नहीं होता। वो क्या करते हैं, जब धान की कटाई करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं, तो उस वक्त एक धूप में इसको धान को सुखा देते हैं। सुखाने के बाद इसको अपने कोठार में अंदर इसको रख देते हैं, और जब शेलिंग करते हैं तभी निकालते हैं और उसको एक बार धूप में फिर सुखाते हैं और शेलिंग करवा लेते हैं, और उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि कोठार जो है ये इतना अच्छे तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है, इतने सुरक्षित तरीके से बनाया गया है, ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से बनाया गया है कि बहुत ही साफ सुथरा रहता है। और अगर हमने पेजा में देखा कि इस पेजा गांव में 70-80 ऐसे कोठार बने हुए हैं, सभी फैमिलीज का अपना अपना कोठार है, तो इतने सुंदर तरीके से भंडारण करते हैं। हम तो आजकल मॉडर्न तरीके से जा रहे हैं, पर ये लोग ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड को ही अपनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं है, ये बिल्कुल विष मुक्त है और सुरक्षित है, और सारे के सारा इसमें जो गुण है वो रहता है। तो आपने भंडारण का देखा, इसे आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचे। तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं अजय श्रीवास्तव आपका धन्यवाद करता हूँ इस चैनल को देखने के लिए। जय हिंद।